भोर कमेटी का असली नाम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, उस टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1943। और इसका चेयरमैन ऑब्वियसली सर जोसेफ भोर थे। और कमेटी बनाई क्यों थी? ये देखने के लिए कि भारतीय लोगों की हेल्थ कैसी है, कौन कौन सी बीमारियां फैली हैं, और हेल्थ सर्विसेज, अस्पताल, हेल्थ सेंटर्स कितने और कैसे हैं कंट्री में। और दूसरा काम था कि रिकमेंडेशन दी जाए कि इन स्थिति को कैसे सुधारें। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 3 साल बाद 1946 में दी, और पहली बार देश में ये उसने कहा कि कंट्री में हेल्थ सर्विसेज बेटर करने के लिए एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। और पहली बार ही किसी ने ये देखा कि अगर एक हेल्दी नेशन चाहिए तो बीमारी प्रिवेंट करने पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, और प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो ट्रीटमेंट एक्टिविटीज़ के साथ साथ चलती रहनी चाहिए। भोर कमेटी की 3 इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, पहली कि बीमारी से बचाव और बीमारी का इलाज दोनों साथ साथ चलने चाहिए और हर लेवल पे चलने चाहिए, ग्रास रूट लेवल के सेंटर से लेके मोस्ट एडवांस सेंट्रल इंस्टीट्यूट तक। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल लेवल्स। दूसरी रिकमेंडेशन थी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एस्टेब्लिश करने चाहिए कंट्री में 2 स्टेजेस में। और तीसरी रिकमेंडेशन थी कि मेडिकल एजुकेशन थोड़ी सी चेंज की जाए, MBBS स्टूडेंट्स को थोड़ी सी चेंज की जाए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 2 स्टेजेस में डेवलप करने थे, एक शॉर्ट टर्म मेजर, एक लॉन्ग टर्म मेजर। शॉर्ट टर्म मेजर में थोड़ी कम सेंटर्स बनेंगे शुरू में, एक सेंटर 40,000 40,000 पॉपुलेशन के लिए, और थोड़े से प्रिवेंटिव हेल्थ PH सेंटर्स के ऊपर एक सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, जो कि काम आएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ओवरसी करने के लिए, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कोई रेफरल आना हो तो वो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे आ जाए। और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने हैं, मतलब एक सेंटर 10 से 20 हज़ार पॉपुलेशन के लिए, और इनमें एडमिशन के लिए 75 बेड भी एस्टेब्लिश करने हैं। उसके अलावा सेकेंडरी हेल्थ सेंटर और सेकेंडरी यूनिट्स में 650 बेड होने चाहिए एडमिशन के लिए, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश करने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक हॉस्पिटल जिसमें कम से कम 2500 बेड्स होने चाहिए। और मेडिकल एजुकेशन में क्या चेंज कहा उन्होंने कि जो बच्चे मेडिसिन पढ़ रहे हैं उनको 3 महीने की ट्रेनिंग PSM डिपार्टमेंट में मिलनी चाहिए, ताकि एक सोशली जागरूक डॉक्टर बने, सोशल फिजिशियंस। तो जो शॉर्ट टर्म PSC होना था वो 1 PSC 40,000 पॉपुलेशन के होना था, और जो स्टाफ सजेस्ट किया था वो नीचे दिया गया है। हालांकि भोर कमेटी के रिकमेंडेशंस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अभी भी एक ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और नेशनल हेल्थ प्लानिंग के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है।